हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 5 फरवरी मंडे 2:30 बजे सुबह के 10:20, और मैं 9:30-10 बजे की करीब उठी हूँ, क्योंकि मैं अभी जल्दी उठ नहीं पा रही हूँ। सारा ब्रेस्ट फिट करवाते करवाते मेरा सुबह में नींद नहीं खुल रहा है, तो मैं लेट से ही उठ रही हूँ। तो मेरे दोनों बच्चे सो रहे हैं अभी, एक है इधर धूप में और एक है अंदर। योर मेकअप। गुड मॉर्निंग आहार। गुड मॉर्निंग शोना बाबा। लेट्स गो, विल ब्रश आवर टीथ। चलो, डोंट गो। नो, तो हम लोग को टैंक में ना कुछ प्रॉब्लम हुआ था, नीचे वाला टैंक में जिससे ऊपर पानी जाता है, उसमें कुछ गिर के मर गया था या कि कुछ मरा हुआ चीज़ कौवा ने फेंक गया था, मुझे पता नहीं। पानी बहुत ही महक गया है, तो ऊपर में हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं जाऊंगी नीचे, नीचे जाकर ब्रश करूंगी। यस बेबी, और आहत जस्ट अभी उठा है, मैं दिखाने के लिए गई तब देखे उठ गया है। यस हाँ, चलो आहत का नींद से उठते ही पहला सवाल होता है, पापा इज इन आरुत डूइंग वर्क, कि बेबी कहाँ है। यस आरुत, तो वो आके पहले बेबी को देख चुका है जे बाहर। अब उसका दूसरा सवाल है उसको पापा का है। जे यही बज रहा है शाम के 8:30, और हम लोगों ने चाय में पी लिया है, और इधर अहद अपने बहन के साथ खेल रहा है। अहद ने उसका नाम दिया है चुटकी, उसके चुटकी बोल के बुलाता है। चुटकी मतलब भीम, चुटकी जो है वही छोटा भीम का चुटकी। एवर भीम्स चुटकी पट्टो। इधर अहद और इसकी रही चुटकी। ए रहा सुबह का नजारा। सुबह उठते ही आहत को अपने सुबह उठते ही आहत को अपनी बहन के साथ खेलना होता है, सोना होता है। वो सारा दिन अपनी चुटकी, उसने नाम दिया है चुटकी, सी स्माइलिंग अगेन। आई डोंट नो इन ऐ ऐ ऐ सारा दिन की होई छे। सारा दिन अपने बहन को वो मतलब ध्यान रखता है। सारा दिन खेलेगा, आके एक बार देखेगा, जो भी करेगा आके एक बार देख जाएगा। अगर वो ज़्यादा देर सोई तो उसको अच्छा नहीं लगता है, वो चाहता है उसके साथ खेलना। लेकिन अभी चुटकी बहुत ही छोटी है, सारा दिन ही लगभग सोती रहती है, तो जब भी वो जागती है आहत का काम है उसके बगल में आके सो जाना और उसको देखते रहना और बात करते रहना। She's look at me. Looking at you. Say chitki. Chitki. She also talking with you. Look. Oh, look. It's become a little bit big. Then they sit up. The little bit baby. Then she will say to you, Dada. Like tiny, little tiny. Hey, mama. Bolo. Let me see baby Ahad. You want to see the baby Ahad? Okay, I will show you your all videos. Different video, cartoon videos. No. Only your video, baby Ahad's video. Baby Ahad's video. Let's go. Brush your teeth. Chalo. Is teeth clean? No. We have to brush our teeth every day. With the button brushing. No. Chalo.
मैंने सोचा कुछ दिन मैं रेस्ट ले लूं, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट कर लूं, उसके बाद ब्लॉग्स स्टार्ट करूंगी, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं अभी तक टाइम मैनेज नहीं कर पा रही। मैंने कल शैम्पू किया था और मुझे अभी भी टाइम नहीं मिला कि मैं अपना बाल झाड़ू, पूरा उलझ गया है मेरा बाल, कल से ऐसे ही है। मतलब क्या बोलूँ मैं। और आज और कुछ दिन से मैं सो भी नहीं रही हूँ, नॉर्मल से बात है। आपका डिलीवरी ठीक से नींद नहीं आता है क्योंकि बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाना पड़ता है। तो जो भी हो, तो आज 15 दिन हो गया मेरे डिलीवरी हो गया, मैं तब से ठीक से सो, उसके पहले भी सो नहीं सो ठीक से सो नहीं पा रही थी। इधर उधर मतलब लेफ्ट साइड राइट जिधर भी सो, मतलब बड़ा सा तब में लेके सोने में प्रॉब्लम हो रहा था। अब जो हो रहा है, अब सारा फिट करवाते करवाते सो नहीं पा रहे हूँ। और उसके ऊपर से आज सोई थी रात के 2 बजे, लेकिन फिर 5 बजे उठ गई क्योंकि बहुत मतलब अब वो मतलब वेदर चेंज हो रहा है ना, तो फिर से चींटी आ रहा है। तो पूरा बेड जो दिख रहा है ना, मैंने पूरा पूरा झाड़ के पूरा घर ही झाड़ा है। मैंने झाड़ के फिर किरोसिन ऑयल से घर पूरा साफ़ किया गया है। और इधर भी मैंने मतलब जितना भी कम्बल वाम था सब मैंने छत पर भिजवा दिया है ताकि थोड़ा धूप लगे। और इधर भी ये हालत है, इसको भी मुझे अभी ठीक करना है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा चाय, मैंने चाय बैठा है, चाय पीऊँगी। उसके बाद अभी मेरे 2 बच्चे सो रहे हैं, मैं दिखाती हूँ। दोनों ही सो रहे हैं, तो वो लोग सोए तब तक मैं कुछ खा लेती हूँ, मेरा मेडिसिन भी है। उसके बाद मैं ये बेड क्लीन करूँगी, मतलब बेड कवर लगाऊँगी और जितना भी सामान है क्लीन करूँगी। मतलब मैं फेस पे भी कुछ देने का, मतलब मैं आईना ही नहीं देख पा रही हूँ ठीक से। बेटी सावी वो उठ गई है और मेरा अभी तक ये सब फैला हुआ है। और उधर और एक चेयर भी है जो फैला हुआ है, आहद अभी भी सो रहा है। तो ये उठ गई है, उसको भूख लगा है, तो मैं थोड़ा इसको फीड करवा के फिर से मैं बाकी का काम संभालूंगी। आँख का जो हालत है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, आँख के नीचे डार्क सर्कल हो गया है। और अभी मैं जा रही हूँ आँख के लिए सोयाबीन बनाने, क्योंकि वो बोला कि वो सोयाबीन मतलब वो चाह रहा था कि
लाइक के साथ सोयाबीन खाए तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से बना लूँ, मैं जल्दी से बना लेती हूँ क्योंकि अभी शादी सो रही है। और इधर आहद उठ गया है तो मेरे पास, मैं सब कपड़ा ऑर्गेनाइज कर रही थी तो मेरे पास ही आके फिर से सोया हुआ था, बस ऐसे लेटा हुआ था। और साभी भी रो रही थी तो मेरे गोद में था। तो मेरा आजकल सब दिन ऐसा ही जा रहा है दोनों बच्चे लेके, लेकिन मैं फिर भी खुश हूँ क्योंकि मेरे दो बच्चे जब सामने रहते हैं सोते हैं, दोनों को देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है।